दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान में केवल 5 दिन बचे हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। आप और भाजपा में जोरदार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल को रोकने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर विधानसभा क्षेत्र में रोजाना नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा नेता किस तरह से आपको गिराने पर तुले हैं, क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग बिहार से दिल्ली आने के लिए कई बस की सेवाओं की शुरुआत कराई। आई जो दिल्ली सरकार है उससे अनुमति मांगे कि उसको दिल्ली तक आने का मौका दीजिए। आपको मालूम है नहीं दिया आज तक मौका। और गाजियाबाद तक लोग आते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक पटना से चल करके बस आता है गाजियाबाद तक, और गाजियाबाद के बाद यहां आते हैं। किसका मदद किए हैं भाई? अरे यार, रहता हूं जाएगा नहीं अपने पुराने घर पर, वहां से उसके और घर के दूसरे लोग आएंगे नहीं, ये राजधानी अन्य लोग आएंगे नहीं, तो ट्रेन से लोग आते हैं, कई तरह से लोग आते हैं, लेकिन बस की भी सुविधा दी तो दिल्ली तक आने नहीं दिए। हम तो कहेंगे भाई, जितने भी बिहारी लोग हैं याद रखिएगा, अपना एक वोट बर्बाद नहीं करिएगा, इनको बता दीजिए। और यहां पर एक एक वोट अपना दीजिए एनडीए को, यहां से ठीक है। आम आदमी पार्टी को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए, अब उनका नाम होना चाहिए मुस्लिम लीग। वो वही राजनीति कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग राजनीति करती थी, बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ को सभा करने पे बैन हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से आज वो योगी आदित्यनाथ जी के बोलने, सभाओं के खिलाफ धरने पर बैठने जा रहे हैं, योगी जी के बोलने से कौन डरेगा? जो इस देशद्रोहियों के साथ खड़ा हो, जो गद्दारों के साथ खड़ा हो, जो आतंकवादियों के साथ खड़ा हो, जो दंगाइयों के साथ, क्योंकि योगी जी ने दंगाइयों को ठोक के ठीक किया है, लाठियों को मार मार के पुलिस से यूपी में दंगा होने से रोका है, आग जलाने वालों को रोका है। अब ये योगी जी पे बैन लगाना चाहते हैं, इसका मतलब ये दिल्ली में और देश में आग लगाने वालों के साथ खड़े, बंटवारा करने वाले तोड़ने वालों के साथ खड़े। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये केवल 20% मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और इनको अपना नाम अब आम आदमी पार्टी नहीं रखना चाहिए, इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है, इनकी पार्टी का नया नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए। अब जब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ये अफजल कौन था? देश की संसद पर हमला करने का जो मुख्य गुनाहगार था, उसके समर्थन में नारा लगाने वालों के प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति होती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले, उनके प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति है। पुलवामा के हमलावरों के प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति है। ये अरविंद केजरीवाल देश की सेना से सबूत मांगता है सर्जिकल स्ट्राइक का, देश के दुश्मनों के माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेरते हैं, और ये व्यक्ति सबूत मांगता है देश से, देश की सेना से सबूत मांगता है। और यह व्यक्ति लगातार देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आदि बनने के साथ ही देश की जनता को, देश की राष्ट्रीय राजधानी की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बजाय, भाइयों बहनों, यहां पर यह व्यक्ति धरना प्रदर्शन के माध्यम से अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करके अब शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलवाने का कार्य कर रहा है। वो देश, उसकी सहानुभूति यहाँ की दिल्ली की जनता के प्रति नहीं, यहाँ की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, यहाँ अच्छी सड़क बने, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हो, यहाँ सेवर सिस्टम हो, यहाँ पर जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिले, लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल को नहीं, उनकी चिंता तो शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति उन लोगों से है जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं।